हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सुपर टेक्निकल सिविल इंजीनियर। दोस्तों, जो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ हाउ टू कैलकुलेट सर्व फिलिंग, मतलब कि एक प्लॉट है दोस्तों, ये प्लॉट है दोस्तों, इस प्लॉट में जो बैक फिलिंग करनी है अपने को, मतलब कि मिट्टी को फैलाना है, वो कितने कितनी मिट्टी आएगी, मतलब जो कैलकुलेट करेंगे कितनी इसमें मिट्टी आएगी, जो प्लॉट अपने को दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, मैं बता दूँ दोस्तों, सबसे पहले इसकी ब्रेथ कितनी दे रखी है, इसकी 30 फीट दिया हुआ है, हाइट कितनी दिया हुआ है दोस्तों 2 फीट दिया हुआ है, और लेंथ कितनी दी है दोस्तों 50 फीट दिया हुआ है, मतलब कि एक प्लॉट है। और प्लॉट के जो अंदर जो दोस्तों ये अब ये मतलब अदर प्रॉपर्टी मिट्टी की जो क्वांटिटी आएगी दोस्तों, उससे जो निकालने का प्रोसेस है दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं अपने जो प्लॉट है दोस्तों, ये प्लॉट को मेजरमेंट कर लेते हैं, मतलब कि जो अपने जो डायमेंशन में दिया हुआ दोस्तों कितना है, लेंथ कितनी दोस्तों प्लॉट की 50 फीट दिया हुआ है, और ब्रेथ कितनी दिया हुआ है दोस्तों 30 फीट दिया हुआ है, और इसकी हाइट कितनी दोस्तों प्लॉट की जो अपने को मिट्टी फिलिंग करनी है 2 फीट दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये अपने क्या है ग्राउंड, मतलब कि ग्राउंड फ्लोर है। ठीक है दोस्तों, अपने को 2 फीट नीचे डाउन मिट्टी को बैकफिलिंग करनी है। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहले निकालता हूँ इसका जो प्लॉट का वॉल्यूम। ठीक है दोस्तों, मतलब कि जो इस प्लॉट में जो कितना वॉल्यूम है, मतलब कितनी मिट्टी की रिक्वायरमेंट रहेगी, रिक्वायर्ड रहेगी। ठीक है दोस्तों, ठीक है, सबसे पहले निकालता हूँ वॉल्यूम ऑफ प्लॉट का, वॉल्यूम ऑफ प्लॉट मतलब कि सोइल के लिए। ठीक है दोस्तों, एल इंटू बी इंटू एच, लेंथ ब्रेथ हाइट। ठीक है दोस्तों, और लेंथ कितनी मेरी दोस्तों 50 फीट है, और ब्रेथ कितनी 30 फीट है, हाइट कितनी वो 2 फीट है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से सब फिट में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, जो कैलकुलेशन करके जो आएगा दोस्तों 3000 CFT, मतलब क्यूबिक फिट आएगा दोस्तों, 3000 क्यूबिक फिट आएगा। ठीक है दोस्तों, मतलब एक प्लॉट का जो जो मिट्टी अपने को फिलिंग करनी है वो 3000 क्यूबिक फिट आएगा दोस्तों, ये अभी अनकम्प्लीटेड है। ठीक है दोस्तों, अब जो जैसे कि मैं बता देता हूँ, ठीक है दोस्तों, स्टेट ऑफ सॉइल टू बी फिल, सेफ्टी मतलब कि अभी जो है दोस्तों, ये है क्या नाम है, लूज पोर्शन जो होता है कुछ जैसे कि अभी जैसे कि कंपैक्टेड करते हैं सॉइल को, जैसे कि ये जो हमारे प्लॉट है, प्लॉट में जैसे हमने कि जैसे ये 2 फिट है, ये 2 फिट हाइट हो गया दोस्तों, जैसे हम मिट्टी को जब फिलिंग करेंगे तो एक साथ डंपेड करेंगे तो वो लूज मोशन रहता है, मतलब कि लूज रहता है, लूज रहती है मिट्टी, जैसे कि ट्रॉली में आया ट्रक में आता है तो वो लूज में रहता है। ठीक है, तो जैसे उसको कंपैक्ट करेंगे तो उसे लेयर वाइज उसको हम कंपैक्टेड कर देते हैं, जैसे कि ये होता है तो 1 फिट के लिए हो जाता है, या 6 इंच के लिए आता है, 6 इंच के लिए कंपैक्टेड करते हैं, जो भी बेबी रोलर से या किसी भी तरीके से पानी छोड़ के इस तरह से करते हैं तो वो मिट्टी क्या नाम है तो सुकड़ जाती है, मतलब कि कॉम्पैक्ट हो जाती है, तो जिससे कि मिट्टी की क्वांटिटी और एक्स्ट्रा मंगानी पड़ती है। ठीक है दोस्तों, जिससे कि हमारी लूज थोड़ा सा क्या नाम है, हमें एक्स्ट्रा मंगानी पड़ेगी मिट्टी, मतलब कि सोइल की बात करें तो मतलब मिट्टी थोड़ा एक्स्ट्रा अपने को मंगानी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, अपने थोड़ा एक्स्ट्रा मंगाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, कंपैक्टेड स्टेट क्वांटिटी ऑफ सॉइल की, मतलब जब हम कंपैक्टेड करेंगे तो उसको हम क्या नाम है, जो कंपैक्टेड करेंगे तो उसको 30% एक्स्ट्रा लेकर चलेंगे, 1 क्यूबिक फिट में, 1 क्यूबिक फिट में तो 30% एक्स्ट्रा लेकर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि अपना ये हमने डंपिंग किया सॉइल को, जैसे हम ऊपर से कंपैक्टेड करेंगे मिट्टी को, तो ये करीबन 30% एक्स्ट्रा नीचे हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए जैसे कि हम अपने को जो मतलब कि इतना इतना कॉम्पैक्ट हो गया तो ये जो पोर्शन होता है, इस पोर्शन को हम 30% एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। ठीक है दोस्तों, कि मिट्टी कॉम्पैक्टेड हो जाती है, तो मिट्टी कॉम्पैक्टेड होने के बाद हम उसको फिर हम
जितनी जो ट्रॉली हुआ या ट्रक हुआ उसमें मिट्टी तो हम इक्वली कहेंगे, जैसे कि हमने मान के चलो कि 70% 70 CFT आती है, 80 CFT आती है, तो जैसे हम उसको कंपैक्टेड करेंगे तो उसका 30% कम लेंगे, मतलब 30% निकालेंगे, तो उसका जो भी कुछ निकल कर आएगा तो उससे हम क्या ऐड करके फिर दोबारा से मंगाएंगे। तो इस तरह से क्या नाम, थोड़ा सा मैं आपको और बता दूँ, 30% एक्स्ट्रा मंगाते हैं, जैसे कि मैंने 1 सेफ्टी में प्लस वन एक एक सेफ्टी के लिए बता रहा हूँ दोस्तों, 30/100 तो इक्वल आएगा दोस्तों 1.3 CFT के बराबर। तो क्या नाम है, तो मेरा 1 क्यूबिक फिट के लिए, हाँ क्यूबिक फिट के लिए तो 1.3 हमारा एक्स्ट्रा मंगाना पड़ेगा अपने को। तो जो भी टोटल हमारी जो मिट्टी की जो क्वांटिटी आ रही है प्लस इतनी, और जो भी 30/100 तो कैलकुलेशन करके प्लस 30 × 20 × 3 तो मतलब कि जो कैलकुलेशन करके 3900 CFT अपने को, सेफ्टी इतने को अपने को हम अपने को मंगानी पड़ेगी, क्या नाम है, सोयल की क्वांटिटी जो आएगी दोस्तों 3900 CFT अपने को मान के भी फिट मंगानी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद कॉम्पैक्टेड होने के बाद में वो 3000 का समथिंग बच जाएगा, ठीक है दोस्तों, जैसे कि हमें 900 CFT अपने को एक्स्ट्रा मंगानी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। और इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे कि मैंने 1 के लिए निकाला था, जैसे तो 300 × 1.3 ये जो इक्वल आएगा दोस्तों 3900 CFT के बराबर आएगा दोस्तों। इसे भी ऐसे भी निकाल सकते हैं, इस तरह से भी निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब मैं बात करते हैं, जैसे कि जैसे मिट्टी को हम मंगाएंगे तो मिट्टी को हम किस तरह पे मंगा सकते हैं, ट्रॉली में मंगा सकते हैं, ट्रक में मंगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों, किसी भी तरीके से मंगा सकते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया ट्रॉली का, ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल लिया ट्रॉली का लिया 10 दोस्तों, जिसकी जो लेंथ है ये है और हाइट इतनी है, ब्रेथ इतनी है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से कोई भी कुछ भी समथिंग आ जा दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और ट्रॉली में जो, जैसे कि मान के चलो जो उसमें मिट्टी की जो आ सकती है, मिट्टी की जो रिक्वायरमेंट रहेगी, रिक्वायरमेंट रहेगी 80 CFT से लेकर 150 CFT तक रहती है, ठीक है दोस्तों। मिट्टी की जो क्वांटिटी आती है 80 CFT से लेकर 150 CFT तक, ठीक है दोस्तों। इस तरह से हम इसको लेके चल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जैसे कि मान के चलो जैसे ट्रक में आएगा, तो ट्रक के लिए कितना होगा, एक ट्रक के लिए मतलब कि 350 से लेके, ट्रक के लिए जो आएगा मतलब ट्रक के ये मैं बताया, ट्रॉली के लिए जो रहेगा दोस्तों कितना रहेगा, 80 CFT। ट्रॉली की बात कर रहा हूँ दोस्तों, 80 CFT to 150 CFT, और ट्रक के लिए बात करूं 1335, ठीक है दोस्तों, CFT to 500 CFT समथिंग, इतना मतलब ट्रक में एवरेज लेके चलते हैं, ठीक है दोस्तों। इतने का समथिंग आ भी सकता है नहीं भी, ठीक है दोस्तों। और जैसे कि जो, ठीक है दोस्तों, कैलकुलेट करेंगे हम रिक्वायरमेंट, कैलकुलेट रिक्वायर्ड नंबर्स ऑफ ट्रॉली और ट्रक, मतलब कि हम जो जैसे कि प्लॉट में जो अपना है 30/50 का जो प्लॉट है, तो उसमें जो ट्रक कितने मंगाने अपने को या ट्रॉली कितने मंगाने, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ट्रॉली को कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद ट्रक कैलकुलेट कर, जैसे भी आप जैसे भी अपने को अरेंजमेंट रखता है उसी हिसाब से मंगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब जो मैं सबसे पहले बता देता हूँ, निकालता हूँ दोस्तों नंबर्स ऑफ ट्रॉली रिक्वायर्ड, मतलब ट्रॉली को हम जो मंगाएंगे, मतलब ट्रॉली कितने नंबर से आएंगी, ठीक है दोस्तों, उसको निकाल देते हैं। टोटल टोटल सोइल्स जो आया दोस्तों अपने को, तो मैं एवरेज लेके चल रहा हूँ, जो एक ट्रॉली में आता है कम से कम दोस्तों 80 के आसपास में लेके चल रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। जो डिवाइड करके इसको 48.75, तो मतलब लमसम 49 जो ट्रॉली में जो अपने को जो मिट्टी जो जरूरत रहेगी ट्रॉली की, जैसे ट्रॉली में से मंगाएंगे तो हमारे को 49 नंबर से अपने को ट्रॉली की मिट्टी मंगानी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों, अपने को ट्रॉली मंगानी पड़ेगी। और ये तो मैंने निकाला ट्रॉली के लिए, अब मैं निकालता हूँ ट्रक के लिए नंबर्स ऑफ
ट्रक रिक्वायर्ड फॉर सॉइल के लिए। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे 3900 अपॉन 400 से डिवाइड करेंगे। ठीक है दोस्तों, डिवाइड करके जो समथिंग आएगा दोस्तों 9.75, मतलब कि दोस्तों हमारे लमसम हमारे जो ट्रक लगेंगे मिट्टी के, ट्रक के जो नंबर आएंगे वो 10, मतलब 10 ट्रक अपने को मिट्टी मंगाने पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, मतलब कि जो 10 ट्रक मिट्टी मंगाने पड़ेगा तो उसका जो एवरेज रहेगा कितना, 400 क्या एक ट्रक में 400 सेफ्टी अपने को मिट्टी आनी आनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ट्रॉली में भी निकाला और क्या नाम ट्रक से भी ला सकते हैं। ठीक है दोस्तों।